उत्तर प्रदेश के कानपुर में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर जुए में हारने के बाद खुद को दोस्ती के सामने परोसने का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि उसने किसी तरह किचन में छिपकर अपनी इज्जत बचाई। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस पर भी उसकी मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि दो दिन पहले उसका पति घर में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और जुआ खेल रहा था। इस दौरान सभी गंदी गंदी बातें कर रहे थे। जुए में दांव हारने के बाद आरोपी पति ने दोस्तों को कहा, मेरी पत्नी के साथ कुछ भी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। महिला ने कहा, इसके बाद उसके पति के दोस्त उसके कमरे में घुस आए और मारपीट कर उसे जबरदस्ती करने लगे। उसने किसी तरह किचन में छिपकर अपनी इज्जत बचाई। इसके बाद उसने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया। महिला का आरोप है कि जिस वक्त पुलिस उसके घर पहुंची, उसने खुद को किचन में ही बंद रखा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उस वक्त वहां उसके पति के अलावा उसके दोस्त भी मौजूद थे। महिला ने आरोप लगाया कि उसके कपड़े फटे होने की वजह से उसे घर में रहने दिया गया और कहा गया कि बाद में उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। इसके बाद पुलिस आरोपी पति को थाने ले गई, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। महिला का कहना है कि मेरी हालत देखकर भी पुलिस को नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब पुलिस इसे पति पत्नी का झगड़ा बताकर रफा दफा करने में जुटी हुई है। महिला का कहना है कि जुए में हारने के बाद उसके पति ने उसे ही दांव पर लगाकर अपने दोस्तों के सामने गैंगरेप के लिए छोड़ दिया। पीड़ित महिला अब न्याय की गुहार लगा रही है। एक महिला आज थाने पे आई थी, कल्याणपुर थाने पे। उन्होंने तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें छेड़छाड़ 294 और रेप का प्रयास 376-511 का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि पति और 4-5 लड़के उनके कमरों में घुस आए। इस महिला का अपने पति से बहुत लंबा पुराना विवाद है। महिला अपने मायके में कई सालों से रहती है और पति दूसरे क्षेत्र में रहता है। जो प्रथम दृष्टया फर्स्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें पुलिस गई थी मौके पर। वहाँ पे पति का आना अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, पुख्ता नहीं हुआ है। हम लोग इसके और तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी सही होगा इसमें धाराओं में, उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जैसे भी अगर इसमें फैक्ट्स पता चलेंगे, उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। महिला का कहना है कि पति घुस गया घर के अंदर और 4 लड़के अज्ञात मेरे कमरे में अंदर घुस गए और मेरे साथ अश्लीलता की, बदतमीजी की, छेड़छाड़ की। इसी क्रम में पुलिस भी वहाँ मौके पर गई थी। यही पता चला है कि उनका अपने पति से पुराना विवाद है। वो अपने मायके में कई सालों से रहती हैं। उनके पति का कोई आना या किसी लड़कों को लेकर आना प्रमाणित अभी तक नहीं हुआ है। इस पर और तफ्तीश की जा रही है। मुकदमा जो भी उन्होंने कहा उस शरीर में दर्ज कर लिया गया है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन में ही क्लियर हो पाएगा कि ये घटना हुई या नहीं हुई। प्रथम दृष्टया ऐसा देख के ऐसा नहीं लगता है। महिला ये बोल रही है कि जब हम बोले ना पुलिस गई थी कमरे में, तो मेरे कपड़े फटे हुए थे उनके सामने भी। जो मेरी जानकारी में आया है, मेरी बात हुई है था अध्यक्ष से, उनका ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। उनके ऐसी बातें प्रमाणित नहीं है।